हेलो दोस्तों, मैं काजल सरोज। ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज मतलब घर वाले अगर मंजूर हैं तो भी, और नहीं भी हैं तो भी। बट मैं आपको एक सोल्यूशन दे रही हूँ कि हाँ, लव मैरिज अगर कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप कर दो, वहीं पे मत करो। क्योंकि आजकल का ये ज़माना है वैसे ही लगा है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं, 18 साल की एज तुम्हारी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, 21 साल की पूरी हो गई है, तुम लव मैरिज कर रहे हो, कोर्ट से तो कर ले रहे हो, बट कोर्ट ने ये पता नहीं कौन सा वो दे दिया है कि हाँ, तुम 18 साल के तो हो जाओ, तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट अगर वो लड़का या लड़की छोड़ना चाहे तो लीव हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं हो पा रहा है। कल को उनको कुछ करोगे, कोई केस करोगे, बदनामी होगी, बहुत कुछ, इज्जत, माँ बाप की इज्जत जाएगी, बहुत कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। बस इतना सोचो कि हाँ, वो सक्सेस नहीं हो रही है। कम से कम तुम लोगों को इतना यकीन होना चाहिए कि हाँ, दूसरों का देख के इतना अकल आना चाहिए कि हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ है, शायद खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। बट मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। लव मैरिज अगर करोगे तो पछताना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखो, पछताने के लिए तुम्हें कुछ नहीं याद आएगा, बट मेरा एक गाना ज़रूर याद आएगा जो है, नहीं मैं आपको अभी सुनाऊंगी। बट मैं इतना सोल्यूशन दे रही हूँ कि प्लीज़ अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टॉप कर दो, मत करो। घर वाले जहाँ पे करा रहे हैं तुम्हारे लिए बेटर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि घर वाले हमेशा अपने बच्चे के लिए बेहतर ही चुनेंगे। वो आपको कहीं फंसाने के लिए या फिर कहीं आपको धक्के मार के वहाँ पे नहीं ठेल रहे हैं जहाँ पे आप नर्क हो या फिर कुछ हो। प्लीज़ अपने घर वालों की मंजूरी में करें कि हाँ, उनकी इज्जत भी रहे, और तो और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो हो रहा है और लड़कियों के साथ। सो प्लीज़, ये गाना है, वो पछताएंगे तो। न मंजिल है, न मंजिल का निशान है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। सो इस बात का ध्यान रखें, प्लीज स्टॉप द मैरिज, लव मैरिज स्टॉप कर दें प्लीज। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये क्राइम बढ़ रहा है। लव मैरिज वाला, पहले लव करके शादी करो, कोर्ट से ऑर्डर लेके शादी करो, बाद में यही डिस्कस करो कि हाँ, हम अलग हो जा रहे हैं। अरे तुम अलग हो जा रहे हो, तुम्हारी नहीं, कम से कम अपने माँ बाप की तो सुनो, उनकी इज्जत रह जा रही है। जब सब कुछ लूट ही जाएगा तो उनको तुम करके पछता के क्या फ़ायदा है।